अम्बाला पुलिस अपराधियों पर लगाम लगाने के लिए निरंतर अलर्ट मोड पर है। किसी भी अपराध को अंजाम देने से पहले ही पुलिस अपराधियों को गिरफ्तार कर उन्हें सलाखों के पीछे भेजने की कार्रवाई कर डालती है। ताजा मामला अम्बाला छावनी से सामने आया है, जहां अम्बाला पुलिस की CIA2 की टीम ने दो अलग अलग मामलों में ऐसे शातिर दो अपराधियों को गिरफ्तार किया है जो किसी अपराध को अंजाम देने की फिराक में थे। पुलिस ने इनसे दो पिस्टल और 8 जिंदा कारतूस बरामद किए हैं। पुलिस अपराधियों का रिमांड लेकर जांच पड़ताल कर रही है। वहीं इन शातिर अपराधियों पर पहले भी कई आपराधिक मामले दर्ज हैं। देखिए, कल शाय हमारी एक टीम है जो सब इंस्पेक्टर भूपेंद्र सिंह के नेतृत्व में बाड़ा कैंट एरिया में गश्त पे थी। उनको सूचना मिली कि अमन पौधा नाम का एक क्रिमिनल है, जो क्रिमिनल है पहले उसके खिलाफ काफ़ी अभियोग अंकित है। वो एक वेपन लिए किसी वारदात को अंजाम देने की फिराक में घूम रहा है, जिस पर उन्होंने अपनी टीम के साथ उसको काबू किया। इसके पास एक पिस्टल, देसी पिस्टल और 3 रौंद हैं जो वो बरामद किए हैं। इसी प्रकार एक हमारी CIA की दूसरी टीम ने एक मनु नाम का क्रिमिनल, जिसके खिलाफ पहले से काफ़ी अभियोग अंकित हैं लड़ाई झगड़ा के और वेपन्स के, आर्म्स एक्ट के, उसके पास से भी एक पिस्टल और 5 कारतूस हैं जो बरामद किए। फिलहाल रिमांड पे इनको रिमांड पे ले लिया गया और उनसे पूछताछ की जाएगी कि क्या इन्होंने वारदात करनी थी, इस रैकेट में इनके साथ कौन कौन लोग शामिल है, कहाँ से ये लेकर के आए हैं, इन सारी बातों की पूछताछ की जाए। बहरहाल पुलिस ने दोनों आरोपियों को रिमांड पर लेकर छानबीन शुरू कर दी है। वहीं पुलिस को उम्मीद है कि पूछताछ के दौरान इनसे और भी कई बड़े खुलासे हो सकते हैं। पंजाब केसरी टीवी के लिए अम्बाला से कृष्ण बाली की रिपोर्ट।